करंट न्यूज के इस प्लेटफॉर्म पर सबका स्वागत है। तो क्या वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो चुकी है? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दुनिया भर के न्यूज प्लेटफॉर्म पर छपे हैं आर्टिकल रिगार्डिंग वर्ल्ड वॉर 3। ये सारे आर्टिकल छपने की वजह है रशियन सरकारी न्यूज चैनल के द्वारा आया हुआ एक बयान। नाउ अभी यूक्रेन ने रशिया के एक वॉरशिप पर मिसाइल से अटैक किया, जिसके बाद रशियन वॉरशिप समुद्र में डूब गई। और इस घटना के बाद रशिया के सरकारी न्यूज चैनल ने ऑन एयर ये कहा कि रशिया का वॉरशिप मॉस्कवा का डूबना दुनिया के लिए वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो सकती है। हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को डिटेल से, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इन फ्यूचर डिस्कशन का पार्ट बन सकें। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे रशियन गवर्नमेंट के न्यूज चैनल के द्वारा वर्ल्ड वॉर 3 के स्टार्ट होने वाले बयान पर। तो देखिए, अगर रशिया का कोई भी गवर्नमेंट चैनल ऐसी बात ऑन एयर कहता है तो हम लोग उसे गवर्नमेंट का अनऑफिशियल स्टांस मान ही सकते हैं। क्योंकि देखिए, किसी भी देश का मीडिया जिसे गवर्नमेंट हैंडल करती है वो इतना सेंसिटिव बात यूं ही नहीं बोल देगा। अब ये हमारे देश के प्राइवेट न्यूज चैनल के प्रोग्राम तो है नहीं, यहाँ तो रोज ही स्टूडियो में बैठकर जंग शुरू कर दी जाती है और हम लोग देखकर एंजॉय भी करते हैं, लेकिन कभी सीरियस लेते हैं क्या? बट अगर यही बात दूरदर्शन पर ऑन एयर किया जाए तो सोचिए, अगर दूरदर्शन पर यह प्रसारित कर दिया जाए कि भारत पीओके के लिए पाकिस्तान से जंग करने वाला है, तो यह बात सिर्फ भारत के लोग ही नहीं पूरी दुनिया सीरियस लेगी। जैसा कि चाइना के सरकारी न्यूज़पेपर पर कुछ भी छपता है तो उसे चाइनीज गवर्नमेंट का स्टांस ही समझ लिया जाता है। नाउ अभी हम लोग ये देखते हैं कि रशिया की वॉरशिप आखिर समुद्र में डूब कैसे गई। तो यूक्रेन का ऐसा दावा है कि उसने क्रूज मिसाइल से रशियन वॉरशिप को हिट किया, जिसके बाद पूरी की पूरी वॉरशिप ही समुद्र में डूब गई। रशिया ने तो पहले इसे एक्सेप्ट नहीं किया, बट बाद में कहा कि मिसाइल अटैक के कारण शिप में आग लग गई थी और मौसम खराब होने के कारण शिप डूब गई। लेकिन दुनिया इस बात से हैरान है कि जो भी वॉरशिप होते हैं उन पर प्रॉपर सेल्फ डिफेंस सिस्टम लगा होता है, रडार लगे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई क्रूज मिसाइल वॉरशिप को हिट कर देती है तो इसका मतलब यही निकलता है कि आपका डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। ये बात रशिया के लिए बहुत ही ज्यादा एंबैरेसमेंट वाली है। कहां रशियन वेपन्स इतने फेमस हैं और आज के डेट में सबके सब एक के बाद एक फेल होते जा रहे हैं। अब यहाँ जैसे ही मॉस्कवा डूबा, यूक्रेन का ओवरऑल मोरल बढ़ गया है, क्योंकि जिस क्रूज मिसाइल से मॉस्कवा को हिट किया गया है उसे यूक्रेन ने खुद ही डेवलप किया है। इस क्रूज मिसाइल का नाम नेपच्यून है। हालांकि इसका डिजाइन यूक्रेन के पास सोवियत के समय से ही है। नेपच्यून सोवियत के KS-35 एंटी शिप मिसाइल पर बेस्ड है, जिसे यूक्रेन ने और इम्प्रूव किया है। इसके साथ ही साथ अगर आप वॉरशिप के नाम पर ध्यान दें तो इसका नाम मॉस्कवा है, जो बेस्ड है सिंबॉलिकली मॉस्को पर। अब यूक्रेनियन का कहना है कि उन्होंने मॉस्को को ही डुबा दिया है। यूक्रेन का तो ये मोरल बूस्ट करने वाला है, बट रशियंस का इससे मोरल जरूर डाउन हुआ है। और इन सब के अलावा फिनलैंड भी नाटो में शामिल होने के लिए बोल रहा है। अगर फिनलैंड ऑफिशियली नाटो में शामिल होने की प्रक्रिया शुरू करता है तो रशिया इसे कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। रशिया ने ऑफिशियली तो नहीं, लेकिन अपनी मीडिया की तरफ से फिनलैंड को धमकी तक दे दी है। हालांकि ये वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने का जो दावा रशियन मीडिया कर रहा है सिर्फ एक रिटोरिक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये वर्ल्ड वॉर शुरू ही नहीं हो सकती है। यदि फ्रस्ट्रेशन में आकर रशिया ने किसी भी नाटो कंट्री या फिर यूएस पर हमला कर दिया तो ये वॉर यूं ही एक रात में पूरी तरह से बदल जाएगी, क्योंकि रशिया ने पहली बार डिप्लोमेटिक लेवल पर यूएस से यूक्रेन को हथियार ना देने के लिए कहा है। कुल मिलाकर रशिया ने यह बयान सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए दिया है, किसी भी प्रकार से वो अपने एंबैरेसमेंट को छुपाना चाहता है। फिर भी हमें रशिया के इस बयान को गंभीरता से लेने की जरूरत है। ये रहा आज का हमारा एनालिसिस। यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बेल दबाएं ताकि आपको अपडेट मिलता रहे।